नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरीशंकर। देश का माहौल कौन बिगाड़ता है? देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के पीछे कुछ गैंग का हाथ होता है, क्योंकि आपने माँ काली के ऊपर एक पोस्टर, काली फिल्म की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसकी पोस्टर आपने देखा होगा। वो पोस्टर एक तरह से हिंदू आस्थाओं के साथ भद्दा मजाक है। इसका जो निर्माता है, निर्देशक है, दरअसल हिंदू संस्कृति और आस्था के ऊपर उसने बड़ी चोट की है। बाकायदा नाम सभी को पता है, लीना नाम है, कनाडा में रहती हैं और कनाडा से रह करके हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं की आस्था पर उन्होंने बड़ा चोट किया है, बड़ा प्रहार किया है। लेकिन सबसे शर्म की बात तब हो जाती है जब लीना जैसे लोगों को, यानी कि जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए एक बड़ी गैंग के तौर पर काम कर रही है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा की तरफ से बाकायदा उसे समर्थन किया गया, ये भी बड़ी शर्मनाक बात है। इसके बाद महुआ मोइत्रा का भी कई लोगों ने समर्थन किया। इस पर पूरे देश में इस वक्त बहस छिड़ी है कि काली माता के साथ, माँ काली हिंदू धर्म के लिए एक का देवी के तौर पर पूजी जाती हैं और माँ काली के स्वरूप को लेकर हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत ही पूरी तरह से एक अलग ऐसी आस्था है जिसके साथ कोई भद्दा मजाक नहीं कर सकता। लेकिन इस फिल्म मेकर को इतनी समझ में नहीं आती कि हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ दरअसल किस तरह का रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। भद्दा मजाक उसकी तरफ से किया गया। सिर्फ यही नहीं रुकी बल्कि बाकायदा एक और ट्वीट किया गया जिसमें भगवान भोलेनाथ, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े उन्हें देव के तौर पर पूजा जाता है, महादेव को, उनका और साथ ही साथ पार्वती के रूप में जो कलाकार जो मंच पर बाकायदा शिव पार्वती के तौर पर जो कलाकार होते हैं उनका फोटो, उन दोनों का फोटो भी ट्वीट किया गया सिगरेट पीते हुए। आप सोच सकते हैं कि एक इस तरह के लोग कैसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी पर धार्मिक आस्थाओं के साथ अपमान होता रहेगा, किस तरह से माँ काली को लेकर किस तरह से उनका पोस्टर जारी किया गया और पोस्टर के बाद किस तरह से एक और जो शर्मनाक घटना हुई कि पोस्टर के बाद रुक नहीं रही बल्कि बाकायदा ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है और अपनी बातों के समर्थन में कई तरह की बातें लिख रही है, जो हिंदू धर्म, हिंदू की आस्थाओं के साथ खुला मजाक है, भद्दा मजाक है और इस मजाक को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर लोग ये बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग इसलिए कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर अगर कुछ भी कह दिया जाता है तो पूरे देश में आग लग जाती है। दूसरे धर्म के बारे में अगर इस तरह के पोस्टर जारी कर दिए जाएं तो पूरे देश में आग लग जाएगी, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर भद्दा मजाक करना, भद्दा पोस्टर जारी करना, भद्दी फिल्में बनाना, गाली गलौज करना, अलग तरीके से देवी देवताओं को दिखाना जैसे शगल बन चुका हो, फैशन बन चुका हो, क्या ये चलेगा? अभिव्यक्ति के नाम पर और बोलने के नाम पर ये चलेगा? बिल्कुल। अभी जनता जिस तरह से इस बात को लेकर क्रोधित हो रही है उसके इशारे हैं, उसके संकेत हैं, नहीं चलेगा। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, बाकी और भी जुड़ेंगे। राघवेंद्र सिंह जी इस वक्त हैं वरिष्ठ पत्रकार। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अनिल किशन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अनिल किशन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र जी के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, एक बात बताएं, मतलब ये तो फैशन क्या कह लें, ये तो जबरदस्ती हो गई राघवेंद्र जी कि मैं तो रुकूंगी ही नहीं, है ना। लीना जो कर रही है वो ट्वीट पर ट्वीट मारे जा रही है, कभी काली पर पोस्टर जारी करती है सिगरेट पीते हुए, फिर भगवान शिव और पार्वती को भी दिखा दिया गया किस तरह से, मतलब हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ भद्दा मजाक करने की जैसे फैशन शगल से ऊपर चीज़ें बढ़ चुकी हैं। ये एक्चुअली घृणित मानसिकता दिखा रही है कि ऐसे लोगों से बचने की कैसे ज़रूरत है। क्या करना चाहिए राघवेंद्र जी? मानसिकता तो समझ में आ रही, करना क्या चाहिए इन लोगों को, ये जरूरी है जानना। बेशक गौरीशंकर जी, देखिए ये जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं, हिंदू जितना ही सरल है, जितना ही संस्कारिक है,
जितना ही सभ्य है, उनके आस्था के जो भी देवी देवता हैं उनको मजाक बनाने का एक फैशन बन गया है। कभी कोई चप्पल पे किसी हिंदू देवी देवता की पिक्चर बना देगा, किसी को मन करेगा तो लाफ्टर चैलेंज के कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा देगा, किसी को मन करेगा तो फिल्म बना देगा। अरे फिल्में समाज का आईना होती है, किस तरह का आईना परोस रहे हो भैया? मेरा स्पष्ट मानना है कि इस पे FIR करके और जितना कठोरतम कार्रवाई हो सकती है करना चाहिए, ताकि आगे से दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह की फिल्म बनाने की सोच भी न सके। ये क्या मजाक है कि कभी शंकर जी को तुम लोग कटघरे में खड़े कर देते हो, कभी दुर्गा जी को ले लेते हो, अब सिगरेट पिला रहे हो, कल दारू पिलाओगे, क्या बयान दे रहे हो, लंदन से बयान दे रहे हो, विदेशी अखबारों से बयान आ रहे हैं, साक्षात्कार आ रहे हैं, ये कहीं से भी स्वीकार करने वाली चीजें नहीं है और इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। और मेरा तो मानना है गौरी शंकर जी कि हाल फिलहाल में पिछले 5-10 सालों में भी इस तरह की जो फिल्में आई हैं उनके निर्माताओं पे भी और जो भी नायक नायिकाएं उसका हिस्सा रही हैं उन पर भी FIR दर्ज करानी चाहिए। एक संदेश देना चाहिए कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर न समझिए कि आप जो जैसा समझेंगे, आपको जो मन करेगा वही परोस देंगे, जितना अपमानित करना चाहेंगे अपमानित करेंगे। अब ये जनता और देश स्वीकार नहीं करेगा और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। गौरी शंकर जी, त्वरित कार्रवाई तो हो रही है, कई जगह FIR भी दर्ज किया गया है लीना और महुआ के खिलाफ। महुआ TMC की नेता हैं, लेकिन किस तरह से एक तरह से बदतमीजी कर रही हैं, वो धार्मिक आस्थाओं के साथ बदतमीजी से कही जाएगी, चाहे लीना या महुआ जिस तरीके से बात कर रही हैं। कई लोग और भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद आपके पास, मुझे थोड़ा सा जानना है कि अभिव्यक्ति है ना, बोलने की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, क्या बोलने की आज़ादी के नाम पर अब भावनाओं के साथ अतिक्रमण हो रहा है, भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है कि धार्मिक आस्था का मतलब क्या होता है? सिर्फ मुस्लिम धर्म की आस्था, ईसाई धर्म की आस्था, बाकी धर्मों की आस्था, या हिंदू धर्म की आस्था के भी ख्याल रखा जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है जो मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा। राजनीतिक का विश्लेषक अनिल किशन जी इस वक्त हमारे साथ। अनिल किशन जी, एक बात बताइए, मैं ये सवाल आपसे ही पूछता हूँ, क्या हमारे देश में इस वक्त धार्मिक आस्था के साथ जिस तरह से भद्दा मजाक किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी के नाम पर भावनाओं का अतिक्रमण हो रहा है, धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाई जा रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? गलत इस्तेमाल करने वाले कुछ मुट्ठी लोग हैं जिनकी एक गैंग है और इस गैंग के जरिए सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश होती है, बताइए सर। देखिए, बोलने की जो आज़ादी होती है उस आज़ादी के साथ हर धार्मिक धर्म के संस्कार भी जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति को जो आज़ादी मिलती है वो उस आज़ादी का उपयोग अपने ऊपर जो संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप यूज करता है। अब इसको देखने के 3 एंगल हैं। एक इस्लामिक धर्म के अनुसार जो कहते हैं कि जरा सी कोई बात हो गई तो बस अब तो सर तन से जुदा, जबकि नूपुर जी के अगर बयान को देखा जाए तो उन्होंने ना तो कोई टिप्पणी की ना ही बयान दिया। उन्होंने जो कुरान के अंदर लिखी हुई बातें हैं, जो उनके स्कॉलर रोज बोलते हैं, उसका हवाला दे करके बोला कि मैं तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े और 9 साल की बच्ची के साथ मोहम्मद के विवाह के ऊपर तंज कसूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टिप्पणी या बयान कहना किस आधार पर उचित है? नहीं, इस पे आइए आप। अच्छा, ये मैं आपको वो 3 एंगल बता रहा हूं। अच्छा, अब जिसमें टिप्पणी की नहीं गई, बयान दिया नहीं गया, उसको बयान या टिप्पणी कहा जाने लगा। अच्छा, अब एक इस्लामिक दृष्टिकोण, ईसाइयों का भी दृष्टिकोण है, वो हर चीज को अपने हिसाब से टैंगल कर करके बोलते हैं। अब तीसरा, जो हमारा हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर तर्कों के ऊपर उत्तर देने की प्रथा रही है। हम तर्कों के आधार के ऊपर, वास्तविकता के आधार के ऊपर उचित या अनुचित का संज्ञान लेते हैं। अब ये जो लीना है, इसने जो हमारी माँ काली के ऊपर ये चीज बना दी, बात यह आती है कि ये वृत्ति इसके अंदर आई कहां से? सही बात। ये संस्कारों की कौन सी देन है? जबकि हमारे यहाँ जो परवरिश होती है वो माँ करती है, और कहा जाता है कि एक बेटी को पढ़ाने का मतलब है पूरे परिवार को शिक्षित करना।
परवरिश माँ के संस्कारों के अनुरूप होती है। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। और माँ काली जो है वो माँ का एक आदर्श रूप है जिसके अंदर पापियों को दंड और पुण्य आत्माओं का संरक्षण करने की परंपरा है। ये एक गुण है जो नारी का साक्षात कराता मतलब, है मतलब, नारी की एक मतलब स्पष्ट परिभाषा है। अनिल किशन जी आप ये कह रहे हैं कि लीना हो या महुआ हो, महुआ टीएमसी की लीडर हैं जी, लीना का समर्थन किया, अभी उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, लीना के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, लीना गायब है तो लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। मैं आपको ये बात पूछना चाह रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि लीना जैसे लोग दरअसल पारिवारिक संस्कार को तवज्जो नहीं देते और यही वजह है कि धार्मिक संस्कार को भी तवज्जो नहीं देते। इन्हें बस लगता है कि ये लोग खुदगर्जी में जी रहे हैं। आपको क्या ऐसा लगता है? सब इनको संस्कार मिले ही नहीं है, इनकी माता का जो एक संस्कारिक पहलू है वो शून्य देखने को मिल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको पढ़ाया सिर्फ इस बेस पर जाता है कि आप पढ़ो लिखो और कमाओ, हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ। आज 40-40 साल की लड़कियां मैट्रिमोनियल के अंदर ऐड दे रही हैं। माँ बाप को अपनी अय्याशी से मतलब है, बेटी का विवाह करके उसे घर भेजना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि बचपन से ही संस्कार सिर्फ प्रोफेशनल दिए गए। आज एक MBBS लड़का, एक इंजीनियरिंग पढ़ रहा लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, कोई स्नैचिंग करते पकड़ा जा रहा है, कोई मोबाइल स्नैचिंग करते पकड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल, एक अच्छी रोटी कमाना, बियर बार के अंदर दारू पीकर के नाचना गाना उपटांग काम करना बन गया। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। संस्कारों से कोई लेना देना नहीं रहा है, जबकि शिक्षा का जो असली मतलब है वो संस्कार होता है। संस्कारों के आधार पर राणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर भी गुलामी नहीं सही, जबकि अकबर सिर्फ इतना कहता था कि तुम्हारी गुलामी सहल प्राप्त कर लो और जो तुम्हें करना है वो करो। शिवाजी को जी के पिताजी मतलब जागीरदार थे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक काली का पोस्टर जारी करने वाली जो लीना है, इन्हें ना तो हिंदू धर्म से मतलब है, न हिंदू धर्म की आस्थाओं से मतलब है, न हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं से मतलब है, ना किसी तरह का कोई धार्मिक संस्कार लीना के अंदर दिख रहा है। लीना बस खुदगर्जी में जी रही है कि बस पब्लिसिटी स्टंट के जरिए कुछ मुझे मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए, कुछ नाम हो जाए। देखिए, हिंदू जो सनातन परंपरा है वो तो विश्व की धर्म गुरु परंपरा है, तो बहुत उच्च स्थान है। चलिए, मैं इनके अंदर मानवीयता के स्तर के भी संस्कार नहीं है। ये पूरी तरह संस्कार विहीन और शून्य बुद्धि है, जिससे आज की जो पीढ़ी है, खासतौर से हमारी लड़कियों की जो संस्कार की देवी मानी जाती है समाज की, उनको शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हम ऐसी शून्य बुद्धि ना बन जाएं। इसकी तरफ माता पिता को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बनती है, गुरुजनों का बनती है, लेकिन बनती या बनता है दोनों चीजें आएगा, लड़का हो या लड़की हो, जो शिक्षक वर्ग है उसका भी लड़का हो साथ संबंध है। मैं थोड़ा सा आपत्ति करूंगा आपके इस अनिल किशन जी स्टेटमेंट पे। लड़का हो या लड़की हो, मानसिक शुद्ध बुद्धि तो किसी के अंदर भी आ सकती है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़की को ही शिक्षित किया जाए, पारिवारिक संस्कार सिखाए जाएं, बल्कि मुझे तो लगता है कि दोनों को समान रूप से सिखाया जाए कि पारिवारिक संस्कार क्या है, धार्मिक संस्कार क्या है। और जब पारिवारिक संस्कार अच्छे हो जाएंगे तो धार्मिक संस्कार भी समझ में आएगी। कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो हर लोगों की होनी चाहिए, चाहे आप इस्लाम धर्म को मानते हों या फिर हिंदू धर्म को मानते हों, आप अपने धर्म के संस्कारों को तो समझें, ये बहुत जरूरी है। अगर संस्कार से आप नहीं जुड़े हैं तो आपका मजहब आपके दिमाग में घुस आता है, इसके बाद ये पूरा रायता फैलता है। दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब स्वागत है सर आपका, और TMC के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, राम प्रकाश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, राम प्रकाश पांडे जी। सर मैं आपके पास ही आता हूँ, राम प्रकाश पांडे जी, महुआ मोइत्रा की तरफ से जो बयान दिया गया समर्थन में, बाकायदा ट्वीट पर ट्वीट, लीना की तरफ से जो दिखाया गया, भारतीय भारत में रहने वाले या पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की है ना, हिंदुओं की आस्था के साथ भद्दा मजाक किया गया, मुझे थोड़ा सा ये बताएं TMC के अंदर कोई धार्मिक संस्कार है या नहीं है? ऐसे नेताओं को आप लोग कैसे आगे बढ़ने देते हो? मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आपत्ति दर्ज की है, लेकिन मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि महुआ मोइत्रा जैसे लोग किस तरह के संस्कार में राजनीति कर रहे हैं, जरा बता दीजिए सर, देश को जानना जरूरी है। देखिए, पहले तो मैं कुछ और ही विवरण दे लेता हूं। देखिए, हम लोग का जो हिंदू धर्म है बड़ा ही बृहत्तम धर्म है, ये बहुत बड़ा धर्म जिसमें विभिन्न मत है और विभिन्न मतों के अनुसार से आदमी अपने इस धर्म को करता है। जी जी, क्योंकि ब्राह्मण जाति से मैं भी हूँ और मैं जिस जगह पर हूँ मैं मांस भी नहीं खाता हूँ,
और लहसुन प्याज तक हमारे में पाबंदी है, और वही बगल में मिथिला ब्राह्मण होते हैं, उनमें मांस भी चलता है और लहसुन प्याज सारा ही चलता है। उसके बाद अब बंगाल में के भी ब्राह्मण है जो मांसाहारी सब में, उनके हर त्योहार में हर जगह मांस चलता है। ये खाने पीने से नहीं होता ना सर, दिमाग मांसाहारी है या शाकाहारी है, ये फर्क होता है ना, इसका फर्क ज्यादा पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं कम फर्क पड़ता है, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं इसका फर्क ज्यादा पड़ता है। महुआ मोइत्रा जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले, पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को समझ में आ गया कि क्या सोच है, क्या गंदगी है, क्या गंध है एक्चुअली, है ना लोग, कि क्या गंध है कि हिंदू होकर के लोग यही कह रहे हैं, हिंदू होकर के टीएमसी की आड़ में, टीएमसी का वोट लेकर के हिंदू धार्मिक आस्थाओं पर चोट कर रही हैं, बताइए ना, ये सवाल है दरअसल आपके लिए। हाँ ठीक है, ये सवाल है कि इस चीज पर हमारी सुप्रीमो ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आपत्ति जनाई है कि बोलने से पहले कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, इस तरह की भाषा उनको किसी भी धर्म के ऊपर में नहीं बोलना चाहिए, किसी देवी देवता के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। तो व्यक्तिगत विचार है तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कीजिए आप लोग। नुपुर शर्मा इतनी बार कह दिए कि समझ में नहीं आता है, तो अब होना चाहिए ना, महुआ को निकाल दीजिए पार्टी से, कब निकालेंगे आप लोग बताइए। यही सेम ही काम हुआ है ना भाई साहब, सेम ही काम हुआ है ना। धार्मिक नहीं, धार्मिक आस्था का मतलब ये तो नहीं होता है कि इस्लाम है ना, मुसलमानों की धार्मिक आस्था ऊपर और हिंदुओं की धार्मिक आस्था नीचे, ऐसा तो नहीं। धार्मिक आस्था तो सब धर्म के लिए बराबर होना चाहिए, तो निकालिए उनको, तुरंत निकालिए। महुआ कब निकाल रहे हैं आप लोग बताइए, कार्रवाई कब करेंगे आप लोग। जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री ने पहली टिप्पणी दी है कि उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, तो उसके बाद उनका अगला स्टेप क्या होगा, उनकी सोच होगी, क्योंकि वो इस तरह चीजों को प्रश्रय नहीं देती है। और हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद काली की भक्त है, हर एक साल काली पूजन करती है। ममता बनर्जी भी तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ ना, राम प्रकाश पांडे जी, ममता बनर्जी तो अपना काम उन्होंने कर दिया। ममता बनर्जी को लगा ना कि गलत बात कर रही है महुआ, है ना, सीधे उन्होंने कहा, खंडन किया कि भावनाओं को समझना जरूरी है, तो गलत काम किया, भावनाओं को समझना जरूरी है। नुपुर शर्मा पर, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, गलत किया है किया, तो आप लोग मिसाल पेश कर दीजिए, तुरंत निकालिए रातों रात महुआ को पार्टी से बाहर कर दीजिए, अरेस्ट है ना, FIR हो ही चुका है, अरेस्ट वारंट वगैरह भी निकल ही जाएगा उनके खिलाफ, और लीना भी पकड़ी ही जाएंगी, लुकआउट नोटिस जारी ही कर दिया गया है। टीएमसी के सर्वे सर्वा हमारी मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने जब पहली टिप्पणी दी है तो दूसरी टिप्पणी भी हो देंगी। तो आप लोग के हाथ में कुछ नहीं है सर, मतलब कभी जाके बोलती नहीं कि ममता दीदी ये सब लोगों को क्यों रखे हुए हैं पार्टी में, तो पार्टी बदनाम करने वाले लोग हैं। ऊपर से थेथ्रोलॉजी हो रहा है ना राम प्रकाश पांडे जी, एक तो गलती आपने कर दी, लीना ने गलती की, लीना की गलती का समर्थन, जब विरोध हो रहा है, जब विरोध हो रहा है तो फिर थेथ्रोलॉजी की जा रही कि नहीं ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, तो फिर क्या हुआ है। तो आप अपने बोलने की आज़ादी को लेकर ऊपर से आप कहती हैं कि भारत में तो बोलने की आज़ादी नहीं, आपको देश के अंदर डर भी लगने लगा, पहले तो धार्मिक आस्थाओं पर चोट करती हैं, है ना, भद्दा मजाक करती हैं, लोगों को तकलीफ में डालती हैं, और फिर कहती हैं भारत तो रहने लायक ही नहीं है, ये कैसा मजाक है ना, भारत में रह करके टीएमसी का इतना बड़ा लीडर हो गई आप, और फिर कहती हैं भारत में तो रहने में डर लगता है, बोलने की आज़ादी नहीं है, वो भी टीएमसी का लीडर कह रहा है राम प्रकाश पांडे जी, जो कि ममता बनर्जी क्या नहीं बोलती है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है क्या, बोलिए सर पांडे जी, एक मिनट में सर पूरी बात कर दीजिए। पांडे साहब, हाँ बोलिए बोलिए ना सर, अब उनको डर क्यों लग रहा है भारत में रहने में महुआ को, देखिए ये उनकी विचारधारा है, हमारी हम टीएमसी का, यही यही तो गलत बात है ना, उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा, ये तो गलत बात है ना पांडे जी। मैं दल से इस तरह से तो कुछ भी नहीं, दल ने कोई भी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, दल ने इसके ऊपर में कोई टिप्पणी, दल ने एक बार में ही कह दिया है कि ये बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी तरह की इस तरह की कोई भी धर्म के ऊपर में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। चलिए आते हैं कैप्टन साहब के पास आ रहे हैं। कैप्टन साहब, अब मुझे एक बात बताएं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग, महुआ जैसे लोग, है ना, मैं जैसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिख रहा है, इन लोगों की पूरी चीज़ें दिख रही है, बहुत अच्छा कहा किशन जी ने, बहुत अच्छा कहा कि धार्मिक संस्कार या धार्मिक भावनाओं को वही समझेगा ना जो पारिवारिक संस्कार भी सीखा हो, पारिवारिक संस्कार फिर धार्मिक संस्कार में जाकर इंक्लूड होता है,
तब आप एक दूसरे के धर्म धर्म को इज्जत करेंगे। धर्म तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, आपकी सोच आ रही है। बी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, FIR हो गया, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी FIR हुआ, वो भी अरेस्ट नहीं हुई, इन दोनों के ऊपर भी FIR हुआ, कुछ होगा या नहीं होगा? ऐसे ही चलता रहेगा सर ड्रामा जो है, ढोल बजेगा, कहीं नगाड़े बजेंगे, कहीं तालियां बजेंगी, कहीं ट्विटर पर जोश दिखाया जाएगा, उत्साह दिखाया जाएगा, कुछ होगा या ऐसे ही मजाक बनते रहेंगे हमारे हिंदू देवी देवता? सर बताइए। आवाज नहीं आ रही है कैप्टन साहब आपकी, म्यूट है क्या उधर से, देख लीजिए एक बार। अभी आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए सर। आप EP निकाल लो सर, EP निकाल लो और मोबाइल से बात करो सर। हेलो, आ रही आवाज? आ रही सर, बोलिए। अब नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था उसके लिए तुरंत उन्होंने जो कहा हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है हम उसके लिए माफी चाहते हैं जी। और फिर नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो उत्तर के प्रति उत्तर में कहा था, उन्होंने जानबूझ के किस इस तरह से किसी भावना को हाँ, तो उनके सामने जो मतलब धर्म के तरफ से जो स्कॉलर बैठे हुए थे उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कुछ कटाक्ष किए थे, तो उन्होंने वही जवाब दिया था कि अगर इसका जवाब हम देना चाहें तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है। फिर भी उन्होंने गलती मानी, माफी मांगी अपने बयान पे, और बीजेपी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर। तो बीजेपी ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, वो कहाँ है अब वो पुलिस का काम है, ढूंढेगी पकड़ेगी, बीजेपी ने कोई बचाव नहीं किया है। और थोड़ा सर माइक थोड़ा पास कर लीजिए सर, मुंह के पास कर लीजिए, आवाज आपकी हाँ अब ठीक है। आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी तरफ से नहीं है। अब ठीक आ रही है आवाज सर, बोलिए। हाँ, अब आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखिए, एक तरफ तो वहाँ बंगाल में FIR दर्ज नुपुर शर्मा पे हो जाती है और वहाँ से पुलिस गिरफ्तारी के लिए भी निकल पड़ती है, और दूसरी तरफ काली माता का सबसे ज्यादा पूजन अगर होता है तो बंगाल में ही होता है। अगर सबसे ज्यादा काली माता को कोई मानता है तो बंगाल में, वैसे तो सारे हिंदू ही मानते हैं मगर बंगाल में विशेष उनकी मान्यता है। और वहां पर जो है ना TMC के एक सांसद खुलेआम उनका अपमान कर रही है, और TMC की सुप्रीमो सिर्फ ये कह देती है कि उनका पर्सनल वक्तव्य है, तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप कार्रवाई करिए ना, हमने नुपुर शर्मा पे कार्रवाई करी, उनको तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर दिया, आप भी करिए। और नुपुर शर्मा ने तो माफी भी मांग ली, ये तो माफी भी नहीं मांग रही है, तो ये इनका चरित्र है TMC वालों का और ममता बनर्जी का कि जब अपने पे आ जाए तो पर्सनल बयान कह के रफा दफा करना चाहते हैं, और दूसरे पे हो तो उसको हो हंगामा मचाना चाहते हैं। आप कार्रवाई करिए, हमने तो नुपुर शर्मा पे की, पार्टी से बर्खास्त कर दिया, आप भी करिए, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो तो माफी भी नहीं मांग रही। यही तो बात है ना, यही तो बात है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, TMC की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप आस्था का मजाक उड़ाने के बाद उस पर टिके रहना, जब आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुओं को इससे तकलीफ हुई है तो माफी मांग लेते, इस तरह के पोस्टर जारी करने की क्या जरूरत है? ये तो पोस्टर देखने के बाद किसी का भी खून खौल जाएगा, किसे अच्छा लगेगा कि जिसकी जिसकी वो पूजा करते हैं उसको सिगरेट पिलाते हुए दिखा रहे हो आप, किसको अच्छा लगेगा? क्या ये दिमाग में कूड़ा भरा है क्या इन लोगों का? गंदगी, किस तरह की गंदगी के साथ ये लोग जी रहे हैं, है ना? इतने पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह का काम करेंगे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का, तो फिर तो बहुत जरूरी है कि बहुत कड़ा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। ये तो कूड़ा है ना, गंद, इसको गंद कहा जाता है, कूड़ा है, है ना? ऐसे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ये निरक्षर से भी घटिया व्यवहार करने वाले लोग ये लोग हैं। ऐसे लोगों को देश के अंदर के कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आता हूं सर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तमाम मेहमान बने रहे हमारे साथ, तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है, बातचीत कर रहे हैं, हिंदू धर्म की आस्था क्या सबसे कमजोर है या सबसे आसान है? हिंदू धर्म क्या कई लोगों की नज़र में कोई आस्था नहीं है हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ? क्यों आखिरकार ऐसा हो जाता?
कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर लोग सवाल उठाने लगते, नग्न तस्वीरें बनाने लगते। काली माता का जो पोस्टर जारी किया गया वो नग्न तस्वीरों से भी भद्दा मजाक है, है ना। किस तरह से शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, बाकायदा इस पर माफ़ी मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बच रहा था। सबसे पहले तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से अपने बयान पर, अपने पोस्ट पर जो बाकायदा ट्वीट किया गया उस पर अड़े हुए हैं। फिलहाल महुआ के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, लीना के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, अलग अलग प्रदेशों में FIR दर्ज किए गए हैं। लुकआउट नोटिस जारी किया गया है लीना के खिलाफ, चूँकि वो कैनेडा में रहती हैं, कैनेडा से रह करके दुनिया भर में रह रहे तमाम हिंदुओं के धार्मिक आस्थाओं के साथ उन्होंने भद्दा मजाक किया। दरअसल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर धर्म का, हर धर्म की जो आस्था होती है उस धर्म से बहुत अलग तरीके से जुड़ी होती है, इसलिए बचने की ज़रूरत है, धर्म के संस्कारों से जुड़ने की ज़रूरत है, जैसा कि किशन जी ने कहा। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। एक बार फिर से मैं आऊँगा वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र जी एक बात बताएं, लीना महुआ जैसे लोग, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये तय है। मुझे भी लगता है ऐसा कि TMC की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होगी, मुझे ऐसा लगता है। जो बाकायदा एक बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है TMC के नेताओं का, या ममता बनर्जी भी किस तरह से नाराज़ रहीं। लेकिन सिर्फ बात कार्रवाई की नहीं है राघवेंद्र जी, सिर्फ बात कार्रवाई की नहीं है, बात ऐसे लोगों को, ऐसे लोग अचानक से आते कहाँ से हैं, ये सवाल है। ऐसे लोग कहाँ से आ जाते अचानक कि पूरे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, है ना। इनका दिमाग जो कूड़े का जो दिमाग है, जो कचरे का जो दिमाग है, इस पर पूरा देश बौखला जाता है, बताइए सर। गौरीशंकर जी देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, अगर उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाता है तो समाज में एक अच्छा आईना पेश होता है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रक्टिव दिशा में जब अपना दिमाग लगाता है तो इसी तरह की करतूत सामने आती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति देखिए, डिबेट में आपस में एक प्रश्न का दूसरा जवाब देना दूसरी बात है, जो नूपुर शर्मा के मामले में हुआ। लेकिन हम किसी फिल्म का स्क्रिप्ट बनाएं, उसका पोस्टर जारी करें, सिगरेट थमा दें देवी देवता को, काली माँ को, ये तो दिखाता है कि आप पूर्णतः मेंटली प्रिपेयर्ड होकर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को आप ठेस पहुँचाने के लिए आपने एक नियत के साथ किया है। और दूसरी बात, आप पांडे जी की बातों को सुन रहे थे, TMC प्रवक्ता जी को, ये देखिए कितना आसानी से कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत विचार है उनका। आप बताइए, अपना कालू कालू, दूसरे का कालू कलुआ, नूपुर शर्मा का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है, और इनके पार्टी के नेता के बयान वो व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान, ये कौन सी बात हुई भाई? ये कहीं ना कहीं से सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और देखिए, मेरा तो मानना है गौरी शंकर जी कि भारत में सब कुछ कायदे से न चले, इस तरह के डिस्टर्बेंस आते रहें, विकास कार्य बाधित हो, आपस में अमन चैन बाधित हो, इसके लिए सोची समझी साजिश नजर आती है। और मैं फिर बात को दोहराऊंगा कि पूर्व समय में भी इस तरह की जो फिल्में बनी हैं उन पर भी FIR दर्ज करनी चाहिए, उनके निर्माताओं पर दर्ज करनी चाहिए, उन एक्टर्स पे करनी चाहिए जिन्होंने उस रोल को अदा किया है पैसा कमाने के लिए, आप क्षणिक पब्लिसिटी लूटने के लिए। किसी भी धर्म के देवी देवताओं का इस तरह मजाक उड़ाएंगे? अगर हम संवैधानिक दायरों में रहते हुए, एक बार ऐसा है जो संवैधानिक दायरों में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, धर्म को लेकर जान लेने की तरफ नहीं जाता है, वो हर चीज नियम कायदे से करना चाहता है, तो आप इस स्तर पे उतर जाएंगे। चलिए, हमारे देवी देवताओं को आप आता हूं, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं सर। राघवेंद्र जी थोड़ी देर के बाद आता हूं, कुछ मेहमान और जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। सुधा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। सुधा जी स्वागत है आपका, आवाज आ रही है मेरी सुधा जी? ठीक है जी, जी, कंचन गिरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु कंचन गिरी, लेकिन फोन लाइन पर रहेंगी। कंचन गिरी जी सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। कंचन गिरी जी एक बात बताएं मुझे, सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहा जाता है, हिंदू धर्म के साथ जो आस्था जुड़ी है बहुत ही प्रगाढ़ तौर पर इस आस्था को मानी जाती रही है, इसके बावजूद क्या वजह है
मैं बड़ा शिकायती अंदाज में कह रहा हूँ, क्या वजह है कि अगर किसी को धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करना है, भद्दा मजाक करना है, देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनानी है, चप्पल में बना देनी है ना, वॉशरूम में बना देनी है, शौचालय में बना देनी है, या फिर सिगरेट माँ काली को थमा देना है, श्री पार्वती को सिगरेट पिलाते हुए दिखा देना है, तो सबसे आसान होता है कि हिंदू धर्म के साथ ऐसा कर दो। देखिए ऐसा है, सनातन धर्म सर्वप्रथम धरती पे सिर्फ सनातने ही थे, दैत्य आ गए, लेकिन इन दैत्यों की इतनी यूनिटी है कि ये रोड पे उतर आते हैं। हमारे हिंदू सनातनी इतने कमजोर हो गए कि ये खोखले हो गए कि ये आगे नहीं आना चाहते हैं, एकजुट होना नहीं चाहते हैं, ये दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, सेक्युलर हो गए हैं, पार्टी में बट गए हैं, उनको पार्टी महत्व दे रहा है। हमारी पार्टी अगर हम थोड़ा सा भी नीचे उतरे और हिंदू धर्म के लिए बाहर आ गए तो हम पार्टी के हमें वोट नहीं मिलेगा। लेकिन ये बताइए कौन ऐसा धर्म है जो ऐसा सिखाता है कि आप बाहर ना निकले, आप अपने धर्म की आवाज ना उठाए, कैसे हिंदू हो गए? मैं कहती हूँ वो हिंदू ही नहीं है जो आवाज उठा ही नहीं सकता। आज देखिए कि सिर्फ एक कन्हैयालाल को किस तरह से सरधर से कलम कर दिया गया, क्या हिंदू का खून नहीं पानी है शरीर में? मेरे को लगता है आज के हिंदू खून नहीं पानी है। दैत्यों का संहार करने के लिए देवताओं ने भी शस्त्र उठाया था। लेकिन कंचन गिरी जी एक बात बताएं, कंचन गिरी जी एक बात बताएं, हिंदू धर्म घटनाएं घट रही है तो इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। हम सभी हिंदुओं को एकजुट होकर इकट्ठा होकर हमें जाना चाहिए। नहीं, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कंचन गिरी जी सुनिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है। हिंदू धार्मिक आस्थाएं बहुत ही प्रबल हैं, बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से जुड़ी हुई है। सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले कंचन जी इसके। और तमाम धर्म गुरु हैं, हिंदू में धर्म गुरु महंत संत सब हैं, भारी संख्या में हैं। आप लोग भी हमेशा विरोध करते रहे कि विरोध करके कि गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, और बड़ा शांतिपूर्वक विरोध हो जाता है, होना भी चाहिए शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप लोगों के जरिए जो बात की जाती है उसका असर क्यों नहीं पड़ता बाकी हिंदुओं पर? क्या कमजोरी है संतों के अंदर, कमजोरी है कि अपना मैसेज वो पूरी तरह से दे नहीं पा रहे हैं, या फिर आप लोग भी एक अलग तरह की व्यवस्था बना रखे हैं हिंदू प्रणाली के अंतर्गत कि आपको सामान्य हिंदुओं से मतलब नहीं है, आपको आप लोग एक अलग तरह का वस्त्र धारण कर लेते, अलग तरह का चंदन टीका लगाते, वस्त्र धारण करके अलग जगह रहते, तो आप लोग के सोचने का तरीका अलग है, बाकी हिंदुओं का सोचने का तरीका अलग हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? किसने कहा कि ऐसा तिलक धारण कर लिए तो अलग सोच हो गई? तो एक कमजोरी है ना, एक कमजोरी है, ये तो कमजोरी दिखा रहा है ना कंचन गिरी जी, कंचन ये तो कमजोरी दिखा रहा है ना कि अगर हिंदू धर्म की आस्था इतनी प्रगाढ़ है तो फिर हिंदू धर्म गुरु संत महंत सब क्या कर रहे हैं? उनकी बातों का असर बाकी हिंदुओं पर क्यों नहीं पड़ रहा? सुनिए, इन दैत्यों की तरह तलवार लेके सड़क पे उतर आए, आप यही चाहते हैं तो बोलिए उतर आते हैं। हम कानून का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको मैंने क्या कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारतस्य, उसके लिए लड़ाई करेंगे, फिर धर्म युद्ध करेंगे। अगर इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री बार बार ऐसे करेगी तो अब तो उतरना ही पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं ना कि हमारा कानून क्या कर रहा है। अगर कानून नहीं, कुछ सख्त कानून बनाता है और सख्त से कार्रवाई नहीं करता है, फिर तो हम लोग है ही। आप ऐसे कैसे कर दिए कि अलग अलग बैठे हैं? आज कुतुब मीनार पे आवाज उठाने वाले तो मैं ही हूँ। चले कंचन गिरी जी, मीनार पे जाके कंचन गिरी जी, चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा कंचन गिरी। सुधा मिश्रा के पास मैं आ रहा हूँ। सुधा जी, एक बात बताइए, आप पश्चिम बंगाल की ये घटना नहीं है, इस घटना को बहुत बहुत मतलब पूरी दुनिया के हिसाब से देखने की जरूरत है। ये घटना है कि एक इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू है या मुसलमान है, एक इंसान
माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाता है ना, बहुत भद्दे तरीके से उस पोस्टर को जारी किया गया। उसके बाद वो शिव पार्वती को भी सिगरेट पिलाते हुए दिखाया गया और बाकायदा भद्दा मजाक किया गया उसमें ट्वीट में। मैं इस मानसिकता को समझना चाह रहा हूँ, क्या ऐसे लोग वाकई में किसी संस्कार से जुड़े हुए हैं? क्या ऐसे लोगों को हिंदू की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारे देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है? क्या इन लोगों के माता पिता ने इन लोगों को कुछ नहीं सिखाया कि हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, इंसानियत धर्म क्या है? कम से कम इंसानियत ही सिखा देते तो लीना जैसे लोग पैदा तो नहीं होते। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्री जो मेकर लीना मंडलिकाई हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को एक होता है ना कि सबने जान लिया है कि ये जो बार बार बातें करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ये विरोध कर ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात की है कि हम में वो इच्छा शक्ति ही नहीं है। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आपने कहा संस्कारों की बात, हिंदुत्व संस्कार था, हमने पूरे आश्रम व्यवस्था में संस्कारों में ही डिवाइड किया था, हम संस्कार ही बताते थे। आप बताइए गौरीशंकर जी, आपके प्रश्न का मैं बहुत गंभीर प्रश्न देने वाली हूँ कि किस परिवार में उन संस्कारों की बात होती है? अगर सच में उन संस्कारों की बात हो रही होती, मैं बहुत आदर के साथ, अभी हमारे आदरणीय कंचन गिरी बहन बोल रही थी, मैं उसी बात को बस आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। वो इस श्लोक को बार बार, गीता का श्लोक है जिसको हम बचपन में कई धारावाहिकों में कई जगहों पर सुनते हुए आ रहे हैं, आप बताइए अगर वो श्लोक भी हम सही से अपने कंठस्थ नहीं कर पा रहे, आखिर में कहां से लाएंगे? कहना सबसे आसान होता है कि हम अपने धर्म को रक्षा के लिए हम खड़े हैं, लेकिन रक्षा के खड़े होने के लिए आपको पता है ना, जिस अस्त्र और शस्त्र की बात होती है, आपके पास अगर अस्त्र और शस्त्र ही सही नहीं है, आप रक्षा किस चीज की करेंगे? हमारी कमी है, हमारी खामी है कि हम अपने सनातन धर्म को न तो आत्मसात। तो क्या आपको नहीं लगता सुधा जी, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है? कांग्रेस पार्टी में भी, जैसे कांग्रेस पार्टी में कई नेता इसके लिए बदनाम रहे कि कुछ नहीं, जब थोड़ा सा पब्लिसिटी कम होने लगे तो हिंदुओं को गाली देने लगो, है ना, हिंदुओं को गाली देने लगो और हिंदुत्व के खिलाफ बातें करने लगो, ऑटोमेटिक पब्लिसिटी बढ़ जाती है। आपके कई नेता इसका इस तरह का प्रयोग तो कर चुके हैं, तो इसी से तो बल मिलता है ना दूसरे लोगों को, महुआ 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 और लीना जैसे लोगों को, इसी से तो बल मिलता है। राज में भगवान राम जी को ये भी कहा गया वो काल्पनिक थे, तो ये क्या हमें संस्कार सिखाएंगे? कंचन जी, आप जिनके साथ सरकार है बिहार में, उसने कहा था वो मानने को तैयार नहीं थे, तो कम से कम जब आप बात करते हो ना तो तथ्य को सही से पकड़ के बात करिए। जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो आपके साथ सरकार में है, समझ के बात कर रहे हैं। मैं आज हम लोग अभी बिल्कुल कंचन बहन, कंचन बहन, कंचन बहन, हिंदुओं को सपोर्ट किया जा रहा है, कंचन बहन, नहीं तो मूर्ति विसर्जन पे रोक लगा था। आज देखिए टीएमसी कलकत्ता में मूर्ति विसर्जन पे लगाती है रोक, वैसे ही आज इससे पहले सरकार नहीं थी तो मूर्ति भी विसर्जन करते। एक मिनट आता हूँ, सुधा जी बात पूरी कीजिए जी। कंचन जी, मतलब शंकर जी, मतलब कैसे जो भ्रामक तथ्य उजागर किए जाते हैं, अचानक ये लोग कहते हैं कि सोया हिंदू जाग उठा, आप बताएंगे वो डेट कौन सी जब हिंदू सो रहा था? ऐसे भ्रामक तथ्यों को उठा के आप लोग जो लोगों में उत्तेजना फैलाते हैं कि हिंदू जाग गया है, हिंदू सोया कब था, कोई तिथि है आपके पास? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, एक श्लोक के उच्चारण में आपने पूरा श्लोक तक सही नहीं पढ़ा। अच्छा चलिए, अब देखिए स्कूल नहीं चला रहे, रहने दीजिए स्कूल नहीं चला रहे, छोड़ ऊपर नीचे हो जाता है, स्कूल नहीं चला रहे, श्लोक 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 लोगों को याद ही रहता है, इसको नहीं चला रहे। लेकिन सुधा जी जो मैं सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। कंचन जी ऐसा नहीं, आप एक तो फोन लाइन पे आप हैं कंचन जी, तो थोड़ा सा जब मैं बोलूं तभी बोलिएगा। नहीं नहीं कंचन जी यहाँ स्कूल नहीं चला रहे हम लोग, यहाँ स्कूल नहीं चला रहे, यहाँ स्कूल नहीं चला रहे, यहाँ स्कूल नहीं चला रहे,
एक लाइन भी आपने श्लोक पढ़ा वो काफी है, यहाँ पे स्कूल नहीं चलाया जा रहा है कंचन जी। मैं कंचन जी, कंचन जी आप फोन पे फोन लाइन पे हैं तो मुझे दिक्कत हो रही है आपसे कम्युनिकेट करने में, थोड़ा सा मैं जितना पूछूं उतना ही बोलिएगा, है ना कंचन जी? ऐसा नहीं चलेगा, मैं फिर फोन काट दूंगा आपका। कंचन जी फोन कंचन जी कंचन जी आप फोन लाइन पर हैं तो कृपया करके मेरी बातों को फॉलो कीजिए। कहां गलती हुई है मैं बता रही हूं, और आपकी गलती बिल्कुल मैं आ रही हूं, आपकी गलती से आ रही हूं। आपने अधूरा सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी मैं स्कूल नहीं चला रहा हूँ, सुधा मिश्रा जी स्कूल नहीं चला रहे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सुधा जी, सुधा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपकी पार्टी के कई नेताओं की शगल नहीं है कि जब उनकी पब्लिसिटी कम होने लगे तो हिंदुओं को गाली दे दो? मैं नेताओं का नाम बताऊं, मैं नेताओं का बताऊं, क्या कांग्रेस नेताओं की करतूत की वजह से, कांग्रेस नेताओं के कई बड़े नेताओं की करतूत की वजह से आज काली माता के ऊपर काली करतूत की जा रही है ना? इन लोग को बल मिलता है ना सुधा मिश्रा जी? कंचन गिरी जी आप फोन लाइन पर हैं, तो कृपया करके कम्युनिकेट, है ना, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है तो मैं जो बोलूं तभी बोलिएगा, बीच में कंचन गिरी बीच में मत बोले। कंचन गिरी का फोन काटिए, ऐसा नहीं, अगर बात नहीं मान रही है फोन काटिए, इनका हटाइए इनको, आप मर्यादा का ध्यान रखोगे? कंचन गिरी जी नहीं रखोगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है जो 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 डिबेट की मर्यादा ना समझता हो। आपको मैं कह रहा हूं कि आप फोन लाइन पर हो, आपसे कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा है, तो जब मैं सवाल करूं तो बोलिए आप। सवाल करने का मतलब नहीं है ना, वो बोल रही तो कंचन गिरी आप बीच में बोलोगे क्या? पूरा एक घंटे का शो आपके लिए होगा क्या कंचन गिरी जी? नहीं ये बताइए, पूरा ये तरीका नहीं होता है ना, आपको अगर मैंने शो में बुलाया है तो आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे? बिल्कुल हम मर्यादा में रहते हैं। तो आप रहिए ना, जब मैं सवाल करूंगा कंचन गिरी जी, जब मैं आपके पास आऊंगा तो जवाब देना। आप बीच में किसी के बीच में मत बोला करें। आप एक तो फोन लाइन पर हैं, दिक्कत हो रही है मुझे कम्युनिकेट करने में आपसे, है ना? तो थोड़ा सा एक मिनट भाई साहब, किशन जी आपसे पूछ रहे हैं क्या सवाल? नहीं पूछ रहे हैं ना, मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं लोगों को बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पे बुलाता हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या रेस्पेक्ट चाहिए आपको कंचन गिरी जी? आपको क्या रेस्पेक्ट चाहिए कंचन जी? एक घंटे तक आप ही बोलोगे क्या? कंचन जी आपको जाने का मन है तो जाइए आप यहाँ से, लेकिन लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए बोलने में। मैं आ रहा हूँ, बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता हैं। कैप्टन साहब एक बात बताइए सर, क्या लीना जैसे लोग और महुआ जैसे लोग क्या अचानक पैदा होते हैं, क्या अचानक पैदा हो जाते, या फिर इन लोगों को बल मिलता है कहीं से? और ये बल कैसे मिलता है? अचानक बल तो मिलता नहीं है, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है, कई बड़े नेता हैं जिनको लगता है कि हमारी पब्लिसिटी कम हो गई, चलो हिंदुओं को गाली दे दो, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। अब टीएमसी में भी इस तरह का प्रचलन शुरू हो गया है ना, राम प्रकाश पांडे जी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन महुआ ने जो किया है उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा भद्दा मजाक है। तो ये प्रचलन होता जा रहा है कि कुछ ना हो तो हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दो, पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा। बताइए सर। बिल्कुल गौरी शंकर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ गौरी शंकर जी, ये शुरुआत आज से नहीं, बहुत समय से पहले शुरुआत हुई है हमारे, जब हिंदू धर्म देवी देवताओं के मंदिर तोड़े गए, हमारा सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, हमारा काशी विश्वनाथ तोड़ा गया, हमारे ऐसे 80,000 मंदिर थे जो विदेशी आक्रांता जो आए थे देश में उनके माध्यम तोड़े गए। और सबसे पहले हमारे देश में अगर देश आजाद हुआ तो सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने उन आक्रांताओं का महिमा मंडल तो इतना किया है कि आज आप दिल्ली में अगर देखें तो हर रोड उनके नाम पे है। और हमारे ज्यादा से ज्यादा मंदिर, आज उनका जन्मदिन भी है अहिल्याबाई होलकर, ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जो उन्होंने उसका जीर्णोद्धार न करवाया हो, दोबारा उसको ना बनवाया हो। काशी विश्वनाथ को तो उन्होंने 3 बार तोड़ा गया, 3 बार काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने बनवाया, तो इतना उनका कहीं भी इतिहास में नाम नहीं है, ना ही उसको पाठ्यक्रम में कहीं उनको शामिल करा गया, क्योंकि पहली सरकार हिंदुस्तान की कांग्रेस की थी, और जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन हुआ करते थे वो भी हमें ज्यादा खुल के कहने की जरूरत नहीं। तो दोहरी राजनीति जो है ना कांग्रेस ने
हर दम हिंदुओं के ऊपर जो है ना इस तरह का माहौल। लेकिन बात बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है ना कैप्टन साहब, बात एक कल्चर की है। क्या इस कल्चर को डेवलप किया गया, अलग अलग पार्टियों ने इसको एक्सेप्ट किया? गौरी शंकर दो सेकंड और लूंगा मैं, दो सेकंड जी सर। आप देखिए, एक हमारे दिल्ली में जो जनता के टैक्स के पैसे से एक विश्वविद्यालय चलता है जिसका नाम है जेएनयू, उस जेएनयू की शिक्षा देखिए आप किस तरह की होती है। जहाँ एक कन्हैया लाल वहाँ एक कन्हैया का तो मर्डर हो गया, एक कन्हैया जो उस जेएनयू में रह के नारे लगाता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और उसका सपोर्ट करने कौन जाता है? राहुल गांधी, उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। दूसरा कौन जाता है जो दिल्ली का आज मुख्यमंत्री है, वो खड़ा होता है कंधे से, मतलब देश को तोड़ने का जो नारे लगा रहा है वो उसका समर्थन कर रहे हैं। आज इनकी पार्टी में है, इनको संस्कार तो जेएनयू से मिल रहे हैं। सुधा जी बताइए, संस्कार तो ठीक है सर, कैप्टन जी समझ गए, बताइए सुधा जी, आप बोल नहीं पाए कंचनगिरी चूंकि बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, आप अपनी बात रखिए। इनकी बात की शुरुआत जो हुई है, इन्होंने कहा अहिल्या जी का नाम लिया, विथ रिस्पेक्ट, मैं बचपन में जब पढ़ रही थी नैतिक शिक्षा में मैंने उनको पढ़ा हुआ है, और जब मैं पढ़ रही थी तो उस समय जो सरकारें थी वो कांग्रेस की थी। पहली चीज जो ये लोग बात कहते हैं कि ऐसा नहीं था, मैंने अहिल्या जी को इतिहास में पढ़ा है, मैंने नैतिक शिक्षा में पढ़ा है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है, अपने पूर्वजों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मतलब मेरे उम्र के आपको भी पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब हम क्या 2014 में पढ़ रहे थे स्कूलों में? दूसरी बात, जब तक इन्होंने बात उठाई, मतलब गलत सूचनाएं देखिए, भ्रामक सूचनाएं देखिए, आप किसको बदलाना चाहते हैं? आपने चीजों को बदला और क्या कर रहे हैं ये आप जानते हैं। दूसरी चीज जेएनयू की बात कर लेते हैं, जेएनयू वह संस्था है जो सबसे कम पैसे में लोगों को शिक्षित कर रही है। दूसरी चीज मैं उससे आती हूँ, वहां से यूपीएससी जो हमारे देश की वह संस्था है जो देश के जो लोग चलाने में अपने तंत्र को चलाने में कार्य करते हैं, सबसे ज्यादा वहां से बच्चे यूपीएससी पास करते हैं, मतलब आप उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जब हम कोई बात करते हैं हर जगह चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल से हटना चाहता हूँ, मुझे सुधा मिश्रा से जाना है। सुधा जी सुनिए, ठीक है मैं समझ गया, सुधा मिश्रा जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। लीना और महुआ जैसे लोगों को क्या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है क्या? बिल्कुल नहीं, किसने कहा सपोर्ट करती है? मैं यही कह रही हूँ कि हमें वो शक्ति होनी चाहिए कि हमारे धर्म के बारे में कोई एक भी लफ्ज कहे, उसे पता हो कि कहने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा। नहीं, दूसरी चीज, अभी कंचन बहन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं हमेशा कंचन जी बात अच्छी कर रही थी, लेकिन कंचन जी किसी को बोलने नहीं दे रही थी, और वो प्रश्न गलत ना हो सिर्फ इसलिए आप मुझे एक मिनट दीजिएगा। मैंने जो उनसे कहा था सिर्फ इसलिए कि हम जानते नहीं सनातन धर्म को, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मैं उस श्लोक को बोलना चाहूंगी जो श्लोक को बार बार बोल रही थी, धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सदा आत्मानम सुजाम्यहम्। ये श्लोक है, इस श्लोक को आत्मसात करना है तब बात करनी है, इतनी बड़ी बड़ी बातों को करने की जरूरत नहीं है। वो जो प्रश्न मुझसे खड़ा कर रही थी उसका उत्तर ये है कि पहले सनातन धर्म का खुद तो सम्मान करिए। काली जी का उसने एक खराब एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आप उसी चित्र को जिसको की किसी को देखना नहीं चाहिए, अगर हम हिंदू है तो हम उसी को वायरल कर रहे हैं, आपकी बात से सहमत इसलिए हो रहा हूँ कि वाकई में अगर कोई भी धर्म हो, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, तमाम दुनिया के जो धर्म हैं, अगर धर्म के खिलाफ कोई कुछ कहता है और वही उसी धर्म के मानने वाले लोग, इसका मतलब है इस धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझने और जानने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमारी जो धार्मिक आस्था है, इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके दिमाग को सही करने से ज़्यादा जरूरी, अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि छोटे लेवल से, जब स्कूल की पढ़ाई होती है ना, उस लेवल से ही चीज़ों को सही करना पड़ेगा, तब ऐसे लोग नहीं होंगे, कम से कम अपने धर्म को गाली तो नहीं देंगे, कितनी शर्म की बात है। मैं आ रहा हूँ अनिल किशन जी के पास। अनिल किशन जी, जो एक मैं ऑप्शन रखा, ये कैसे सुधरेगा? अभी तो ठीक है, कानून बन जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे जो लोग भी ऐसा काम करेंगे, हिंदू हो या मुसलमान हो, सलाखों के पीछे जाना तय, कोई बच तो नहीं रहा, ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम
कम से कम अभी की सरकार में तो क्रेडिट है, कोई बच नहीं पा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर इस तरह का बयान देगा तो बचेगा नहीं। लेकिन सुधरेगा कैसे? क्या कड़ा कानून बनाते रहेंगे, लोगों को पकड़ते रहेंगे, जेल में डालते रहेंगे, तभी लोग बीच बीच में आकर के गालियां देते रहेंगे, ऐसे चलेगा क्या? एक लंबा प्लान होना चाहिए ना किशन जी इसका। देखिए, जो समाज का परिवेश है उसके अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जैसे आज 2 मिनट है सर आपके पास, जैसे आज कानून कोर्ट ने एडल्ट्री का बना दिया, 2 मिनट नहीं, लिविंग रिलेशनशिप भी उन्होंने अलाउ कर दी, अब जो करेक्टर है, संस्कार है, वही हास्यास्पद होने जा रहे हैं। हमारी एक वर्कशॉप है जहां हम सेल्फ डिफेंस और मोटिवेशन गर्ल्स को सिखाते हैं, वहां जब हम मोटिवेशन देते हैं, कुछ गर्ल्स हमारे पास पर्सनली बात करने आती हैं तो कहती है, सर हम छोटे छोटे कस्बों से आए हैं और यहां आकर हम देखते हैं कि लड़कियां जब आपस में बैठती हैं तो वर्जिनिटी का मजाक उड़ाती हैं। आपकी वर्कशॉप में आके हमें लगता है कि हमारा मार्ग ठीक है, हम ठीक है, यही लोग भटके हुए हैं, जबकि यहां आकर के हम समझते थे कि इसी भेड़चाल में चलना मेट्रो सिटी की कल्चर है। तो यहां तक जो समाज का स्तर गिर चुका है, वो हिंदू धर्म की आस्था, हर धर्म के सम्मान को क्या समझेगा? आज हमाम में सभी नंगे। टीएमसी के वक्ता ने कहा कि हमने तो उसकी भर्त्सना कर दी साहब, अब नेक्स्ट टिप्पणी की आप जो है नेक्स्ट स्टेप की आप वेट कीजिए, यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी। पांडे जी मतलब मेरी बात पूरी हो दीजिए सर, बस 10 सेकंड में आएंगे, प्रोग्राम खत्म करेंगे 10 सेकंड। उसके अंदर वो इस पक्ष को भी खुश करना चाहते हैं, उस पक्ष को भी खुश करना चाहते हैं। और नूपुर शर्मा का टाइम सर्कल तड़ से जुदा, सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर नंगा होके कूद गया, ये हो क्या रहा है? हर पार्टी जब तक सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेगी, ये परिवेश नहीं बदलेगा। कांग्रेस का यह हाल है जैसे बच्चा गोली के अंदर देखता है, सब काला रंग एक दूसरे को लगा रहे हैं, वो कहता है ये भी शोभा है, वो अपने हाथ पे काला रंग भर के अपने मुंह पे मल लेता है। उसी तरह से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आग में कूदते हैं टीआरपी लेने के लिए, हिंदू धर्म को गाली निकालने के लिए। तो बीजेपी के नेता पर भी लागू होता है, जो भी करता है वो, उसका अर्थ यही है। और हिंदू धर्म का जो कह रहे हैं सब अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसकी वास्तविकता मैं आपके अंदर में बता के अपना कंक्रीट करूंगा। हमारे धर्म के अंदर जो फॉरनर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वो स्वेच्छापूर्ण हिंदू धर्म धारण कर रहे हैं। कितने ही मुस्लिम ने हिंदू धर्म धारण कर लिया है, सर, तर्कों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। और बहुत अच्छी बातें जो चीज है उसके आधार पर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल किशन जी बहुत बहुत अच्छी बातें आपके जरिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप आए, तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप सभी यहाँ पर आए, वक्त दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।